हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे खानपान की चीजों के बारे में जो समर के दौरान होने वाले हीट स्ट्रोक की वजह से और उसी के साथ साथ डिहाइड्रेशन के चेंजेस की वजह से होने वाली परेशानियों को कवर अप कर लेने में काफी ज्यादा मददगार है। इस दौरान कई बार पेशेंट्स में देखता हूँ कि बहुत ज्यादा हेडेक के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, उनको हीट बहुत ज्यादा फ्लशेस के साथ शरीर पर असर डालती है, डीपिगमेंटेशन के डिसऑर्डर्स और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस ऑफ स्किन के साथ साथ लो बीपी के सिम्टम्स भी बहुत कॉमन हो जाते हैं दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एग्जॉशन बढ़ जाता है और बीपी लो हो जाने की वजह से उनको नंबनेस के सिम्टम्स, डायरिया, डिसेंट्री के सिम्टम्स भी बहुत कॉमनली फेस करने पड़ते हैं। यहाँ बात करें फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स के बारे में, तो ये सारे सिम्टम्स भी कई बार बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं क्योंकि गट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के साथ साथ उनका एसिमिलेशन डिसऑर्डर भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है उनको बहुत एब्जॉर्प्शन अच्छा रखने में। तो इन सभी चीज़ों को रीस्टोर करने में ये पांच चीज़ें जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी और इसी के साथ साथ आपको इनसे कोप अप करने में बहुत ज़्यादा मददगार भी साबित होंगी। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम यहाँ आज बात कर रहे हैं दोस्तों वो है बटर मिल्क। जी हाँ, बटर मिल्क वो वरदान है दोस्तों जो आपके लिए बहुत इजीली अवेलेबल भी है और साथ साथ ही बहुत बेसिक सा डाइट है जो आप इसको एसिमिलेट भी कर पाएंगे। ये आपके गट को मेंटेन करने के साथ साथ आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा क्योंकि इसके अंदर पानी के कंटेंट तो काफ़ी अच्छे होते हैं, साथ ही साथ फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में है और उसी के साथ साथ आपके गट बैक्टीरियाज को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में बैक्टीरियाज भी अवेलेबल है। तो आप इसको रोजाना दोनों तीनों टाइम भी इस्तेमाल करें तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। दोस्तों सेकंड चीज जिसके बारे में हम बात करें वो है विटामिन सी डाइट, यानी कि नींबू। जी हाँ, नींबू आपके लिए बहुत इजीली अवेलेबल भी है मार्केट में और आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करके अपना विटामिन सी का कंटेंट तो मेंटेन कर ही पाएंगे और साथ ही साथ इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स का कंटेंट है या आपकी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन को मेंटेन करने के साथ साथ आपको बहुत अच्छी मात्रा में गट सेंसिटिविटीज खत्म करने के लिए भी हेल्प करेगा। जी हाँ, विटामिन सी का काफी अच्छा रोल देखा गया है हीट स्ट्रोक से बचने के लिए और साथ ही साथ स्किन की रेजुविनेशन में भी इसका काफी अच्छा रोल पाया जाता है दोस्तों। तो आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करके अपनी बॉडी के अंदर चल रहे किसी भी गट सेंसिटिविटीज के इश्यू के साथ साथ लो बीपी के सिम्टम्स को भी रिस्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये वैसोडायलेटेशन मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो आपको बहुत ज़्यादा बीपी लो सिम्टम अभी कभी भी लगे तो आप नींबू पानी या फिर नींबू के साथ नमक की सिकंजी बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा आप रोज़ भी कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें जिनको विटामिन सी से सेंसिटिविटीज़ है और साथ ही साथ उनका गला भी इसको सूट नहीं कर पाता। दोस्तों तीसरी चीज के बारे में बात करें तो स्टडीज में पाया गया है कि मिंट आपकी बॉडी में चल रही सेंसिटिविटीज को कंट्रोल करने में और साथ ही साथ आपकी डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि इसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये आपकी गट की सेंसिटिविटीज को खत्म करने में भी मदद करेगा, साथ ही साथ हेडेक के सिम्टम्स या अगर आप डायरिया या डिसेंट्री के सिम्टम्स से होकर गुजर रहे हैं दोस्तों तो आपको पुदीने का इस्तेमाल रेगुलर तौर पर जरूर करना चाहिए क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को खत्म करके आपके सारे ही फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स को खत्म करने की क्षमता भी रखता है। जी हाँ, तो आप इसको रोजाना अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, चटनी बना के भी यूज कर सकते हैं और इसी के साथ साथ इसका कूलर बना के आप पानी के अलावा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत टेस्टी भी लगता है और आपको फायदा भी बहुत अच्छी तौर पर देगा। दोस्तों बात करें चौथी चीज के बारे में तो ये समर में बहुत ही हेल्दी और कॉमन डाइट हो जाती है और इस दौरान इसको इस्तेमाल करने में ये बहुत टेस्टी भी लगता है दोस्तों। ये वो चीज़ है जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल भी मिलेगा और आपकी गट सेंसिटिविटीज को कंट्रोल करना इसका चुटकियों का ख्याल है दोस्तों। ये है बेल का रस। जी हाँ, बेल एक ऐसा फ्रूट है दोस्तों जो आपके लिए हाई फाइबर कंटेंट तो रखता ही है, साथ ही साथ इसके अंदर मैग्नीशियम का कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है, कैल्शियम के साथ साथ हाई फाइबर डाइट भी इसमें बहुत अच्छी तरह से मौजूद होती है। तो ये सारी ही चीज़ें मिलके आपके गट के अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी अच्छी रखते हैं और साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की बात करें, चाहे एनोरेक्सिया से आपको उबार कर लाने की कंडीशन के बारे में बात करें और आपके हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स को दूर ले जाने की बात करें, तो इन सभी चीज़ों में भी बेल का रस आपके लिए बहुत अच्छा वरदान साबित होता है दोस्तों। आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए, घर पर ही आप बेल के फ्रूट को तोड़ के इसमें से सारा का सारा गूदा निकाल के इसको बिल्कुल मसल के पानी में मिला लीजिए, साथ ही साथ आप इसमें थोड़ा सा नमक या चीनी अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपके लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है बिना कुछ ऐड किए हुए भी। तो ये आप रोज़ाना इस्तेमाल जरूर करें, अपने बच्चों को भी जरूर दें, ये उनको एसिमिलेटरी प्रोसेस मेंटेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है दोस्तों।
यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में दोस्तों। यहाँ सैलेड्स का इस्तेमाल बहुत ही एसेंशियल है, लाइफ स्टाइल में ऐड करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हीट स्ट्रोक के दौरान आपके गट के जो इतने भी बैक्टीरियाज होते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है या डिहाइड्रेशन की वजह से एसिडिक चेंजेस बढ़ जाते हैं। तो आपके लिए ये सैलेड्स एंड फ्रूट्स बहुत अच्छा सोर्स हो जाते हैं आपकी गट सेंसिटिविटीज़ को हेल्प करने में, साथ ही साथ वाटर रिटेंशन तो अच्छा ये देंगे। इनमें हाई मिनरल के डाइट और हाई विटामिंस के कंटेंट की वजह से ये आपकी सारे के सारे फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स को दूर रख के इम्यूनिटी को भी अच्छा रखेंगे और लो बीपी होने से भी आपको बचाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलके अगर आपको एक हेल्दी डाइट के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल देना चाहें तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। आप तरबूज का इस्तेमाल जरूर करें, खरबूजा जरूर इस्तेमाल करें, साथ ही साथ आप खीरा, ककड़ी, मूली का इस्तेमाल, ककड़ी में भी बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपको स्किन को रेजुविनेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो जाएंगे। तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, रेगुलर तौर पर इन सभी सैलेड्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये हेल्दी डाइट तो है ही, साथ ही साथ ये आपके रेगुलेटरी प्रोसेस को मेंटेन करके आपकी इम्यूनिटी और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में भी आपको हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों इन सभी हेल्दी डाइट के अलावा भी आपको थोड़े से मैनेजमेंट करने होंगे। आपको बहुत इजीली सन एक्सपोजर से बचना होगा, और अगर आपको बाहर निकलना भी पड़े तो आप पूरे कवर्ड क्लोथ्स के साथ साथ आप सर भी ढक के निकले, क्योंकि अब आगे जेठ का महीना आने वाला है तो सभी औरतों को तो सर ढकना ही पड़ेगा, आदमियों को भी सर ढकना पड़ेगा। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स के साथ साथ आपको परेशान कर सकता है, तो आप हाइड्रेशन का ख्याल जरूर रखें। 3 से 4 लीटर पानी आपको पर डे जरूर लेना है, और इसी के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आप ऑनियन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑनियन में भी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हीट स्ट्रोक से बचाने में आपको मददगार साबित होती है दोस्तों। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं दोस्तों।